ये तस्वीरें अखिलेश यादव के रोड शो की हैं। मैनपुरी में पत्नी डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे अखिलेश। एक बड़े रोड शो में अखिलेश और डिंपल एक साथ नजर आए। इस रोड शो के दौरान काफी भीड़ भी उमड़ी, मगर शो के खत्म होने के बाद अब बवाल मच रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी में एक मेगा रोड शो करते हुए दिखे। कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की शाम सपा का रोड शो हुआ। इसमें शामिल समर्थक जमकर नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। रात के समय रोड शो जब करहल चौराहे के पास समाप्त हो गया, इसके बाद रोड शो में शामिल हुए कुछ युवाओं ने चौराहे पर लगी महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थल पर जाकर नारेबाजी की और वहां सपा का झंडा लगाने की कोशिश की। अब इन सब पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। आज प्रदीप गुप्ता बोल रहा हूँ, मैं करहल चौराहे पर रहता हूँ। मामला पे जिस प्रकार सपा के गुंडों ने सबसे पहले तो ईशन नदी पे गुंडई की, उसके बाद बड़ी खानकाह में अपने उनने पूर्वज पूछे जाके, और पूर्वज पूछने के बाद दारू पी के हमारे महाराणा प्रताप जो वीर सरवणी जो भामाशाह ने पूरा खजाना खोल दिया था, और आज हमारे वीर सरवणी महाराणा प्रताप भारत भूमि में, आज जिन्होंने भारत भूमि के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, घास की रोटी खाई इस भारत भूमि को बनाने के लिए, और आज सपा के गुंडे माफिया यहाँ पे इस प्रकार का जो कर रहे हैं वो समाज में बहुत ही निंदनीय है। कुछ दिनों पहले हमारे योगी जी का रोड शो था, पूरे शहर में शांति प्रिय हुआ, कहीं भी कोई भी शिकायत नहीं मिली पूरे शहर को। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के गुंडों का रोड शो था, और आप देख सकते हैं हमारे पूर्वज जो हमारे आदर्श थे उनके ऊपर चढ़ के, चप्पलें चढ़ा के, उनकी तलवार, उनका भाला उस पे चढ़ के पेशाब करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। पूरा पूरा समाज में रोष है, पूरे पूरी वीडियो है, पूरे फोटो है, उस पे मूर्ति पे चढ़ के हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श, हमारे सब कुछ है महाराणा प्रताप, लेकिन उनका 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 जो अपमान किया है समाजवादी पार्टी ने, पूरा क्षत्रिय समाज कभी नहीं भूलेगा जो उनने अपमान किया है हमारे महाराणा प्रताप का, कभी पूरा क्षत्रिय समाज नहीं भूलेगा। उसकी वजह से अभी हम लोगों ने नगर पालिका से गाड़ी बुलवाई है, स्तर पर आंदोलन करना है इसका, गाड़ी बुलवा के हम लोगों ने उन्हें शुद्धिकरण करवाया है। वहीं जानकारी होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर एसपी और एएसपी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस सीसीटीवी से हंगामा करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। सर, यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर कुछ बवाल हुआ है, क्या कुछ मामला? देखिए, एक पार्टी का रोड शो का कार्यक्रम था, जिसमें जब रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लड़के जो इसमें महाराणा प्रताप की चौक पे आए और चबूतरे पे चढ़े और कुछ पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किए, और वहाँ पर कुछ नारेबाजी की, जिसमें यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखा जा रहा है, और जो लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है, सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, और उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। बता दें कि करहल चौराहे पर सपा के रोड शो के दौरान हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने 100 उपद्रवियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।